बाली स्विंग लाइट अभी हम जा रहे हैं कुर्ग और बीच में जो पॉइंट आएंगे उनको कवर करेंगे और बीच में हम अभी रुके हैं नारियल पानी पीने के लिए। वो बहुत ही मीठा नारियल पानी है ये, इसमें मलाई भी इतनी बढ़िया एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट नरम नरम है। ये नारियल पानी 40 रुपए का ही है, कोई 50,000 का नहीं है, 25,000 का। अभी हम कुर्ग में आ गए हैं और ये हमारा रिजॉर्ट है और बहुत ही प्यारा रिजॉर्ट है। पीछे पूरी हिल का व्यू है, इधर पूरे कुर्ग की जो भी क्लिफ्स है ना, सारी हिल विल पूरी इधर यहाँ से बहुत अच्छे से दिख रही है। टाइम फॉर रूम टूर और ये है एक छोटी सी बालकनी, इधर पापा मम्मी का रूम है और ये है हमारा रूम और यहाँ पे एक और बालकनी, यहाँ पे बैठ के आराम से हम कुछ भी ड्रिंक्स इंजॉय कर सकते हैं और सामने है पूरा क्लिफ का व्यू और ये है हमारा रूम। यहाँ पे प्यारा सा एक बेड है, इधर LCD यूनिट, यहाँ पे कुछ अनुपमा देखना होगा तो देख लेंगे। ठीक है, कुछ और देख लेंगे, तारक मेहता देख लेंगे, खाना कैसे उतरेगा नहीं तो पहले से। फिर यहाँ पे है एक ड्रेसिंग एरिया और ये आपको पीछे जंगल की आवाज़ आ रही होगी, ये पूरा जंगल से घिरा हुआ है और यहाँ पे है एक छोटा सा बाथरूम। तो यस, प्रॉपर्टी बहुत ही बढ़िया है, एकदम सुंदर है, शांति है यहाँ पे बहुत, क्योंकि पत्तियों की सरसराहट सुनाई दे रही है और चिड़ियों की जो आवाज़ है वो आ रही है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब आजा आजा, अरे तो ये पानी से बहुत डरती है। एक तो ये पानी से बहुत डरती है, इसलिए आ नहीं रही, ऊपर से पानी भी ठंडा है, मौसम भी ठंडा है। तो मेरे पीछे अभी बॉन फायर की तैयारी हो रही है और रात में यहाँ पे सब जितने भी गेस्ट हैं इस रिज़ॉर्ट के, सब यहाँ पे असेंबल होंगे, यहाँ बॉन फायर होगा, लाइव म्यूज़िक होगा और फन एक्टिविटीज़ होगी और इसी के साथ यहाँ पे इंडोर गेम्स भी है, इधर ऊपर इंडोर गेम्स हैं, वहाँ पे जिम है और ये छोटा सा डाइनिंग, छोटा नहीं है, बड़ा सा डाइनिंग हॉल है और यहाँ पे बूफे वूफे लगेगा। नहीं बस ठीक है, बाली स्विंग लाइट बाली जैसे दिखती है।
पतला थे जरा ये धूप तपिल जिसकी तुम ऐसी हसी तस्वीर जिसकी है देखता होगा मेरे महबूब को किसने बनाया सोच। Welcome back to another new vlog. So it's a very beautiful morning in the cold और मौसम बहुत ही प्यारा हो रहा है आज का, एकदम सनी है आज, बारिश कम है और अभी हम जा रहे हैं एलिफेंट सफारी के लिए। तो अभी चलते हैं, सब लोग पहुंच गए हैं ब्रेकफास्ट के लिए, तो हम पहले ब्रेकफास्ट लेंगे और फिर उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। एलिफेंट सफारी के लिए अभी हम आ गए हैं और यहाँ से बोट लेके जाएगी हमको सफारी के लिए। बहुत लंबी लाइन है, मतलब बोट सिर्फ इतनी नहीं है, कुछ बोट जो जा रही है वो वापस आ रही है, फिर हम जाएंगे उसमें, तो सब थोड़ा एक आध घंटा समय लग जाएगा। हाथी बाबा आएगा, हाथी बाबा आएगा, हाथी बाबा। पूरी एलिफेंट सफारी और यहाँ पे आप एलिफेंट को फीड करा सकते हैं, इसमें सूखी हुई घास के साथ साल मिला के गुड़ मिला के आप इनको फीड करा सकते हैं। ये जो समय है ये इनका रेस्टिंग का समय है, यहाँ पे इस समय ये पानी पीने नहाने धोने का काम होता है और फिर जितने भी टूरिस्ट हैं उनको रोक देते हैं इस समय, मतलब 12 बजे टूरिस्ट के लिए बंद हो जाता है और फिर वापस 4 से 5 चालू होता है। उस बीच ये सारे हाथी नहाते हैं और उनका पानी वानी जो भी उनका रेस्टिंग टाइम रहता है वो होता है सब। आज तो खाना अच्छा है, आज तो अच्छा है खाना। स्माइल बता रही है कि खाना अच्छा है। हाँ यार, 3 दिन हो गए खिले खिले चेहरे सबके। अच्छा इसका खिला, इसको आज थोड़ी बदहजमी टाइप हो गया है, इज नॉट फीलिंग वेल, गो टू सिक रूम। माउंटेन तो है नहीं इतने यहाँ पे, इतने को सिकनेस हो जाए। और अभी हम जा रहे हैं गोल्डन टेम्पल की ओर, एक वाटरफॉल भी है पर वो देखते हैं सब अगर रेडी रहेंगे वाटरफॉल जाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा ट्रैक करना पड़ेगा तो सबके हिसाब से चलना। पानी बॉटल ले ली 5? हाँ है वो ले ली। सो अब हम आए हैं गोल्डन टेम्पल, ये एक तिब्बतियन मोनेस्ट्री है, यहाँ पे उनका मंदिर है और वो पूरा गोल्ड का बना हुआ है तो इसलिए उसको गोल्डन टेम्पल बोलते हैं। बीच वाला स्टैचू जो है ये लॉर्ड बुद्धा का स्टैचू है, ये वाला जो स्टैचू है ये लॉर्ड अमितायुस का है जो कि बुद्धा के गुरु हैं, दूसरे गुरु, और ये है पद्मसंभावा जो लॉर्ड बुद्धा के पहले गुरु हैं।
आर बैक और अब बस चिल करेंगे। हमारा आज यहाँ पे लास्ट डे है, फिर यहाँ से हम जाएंगे वायनर की ओर और वहाँ पे हमने कुछ पापा के लिए सरप्राइज़ भी रखा है क्योंकि कल पापा का बर्थडे है, तो देखते हैं क्या सरप्राइज़ है। तो ये वाला व्लॉग मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आपने यहाँ तक व्लॉग देख लिया है और अच्छा लगा है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं फिर ऐसे किसी नए व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्कार, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जय श्री महाकाल। एक कटहल का पेड़ है यहाँ पे, एक बड़ा सा कटहल खा जाऊं। डायन चल अड़िया, पानी बहुत ठंडा है।